एक बड़ी बाउंटी, वन शॉट गॉबलेट्स चले जाओ। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2988 को रिलीज हुए अब 6 हफ्ते हो चुके हैं और इस दौरान फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्कि के 43 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे थलापति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म द गोट यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में। इस फिल्म में थलापति विजय के साथ प्रभु देवा और कई सारे अमेजिंग स्टार्स नजर आने वाले हैं। वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो रही है, यानी अभी भी इस फिल्म को रिलीज होने में 4 हफ्ते बचे हैं। अब तक इस फिल्म का सिर्फ टीजर और सॉन्ग्स ही रिलीज किया गया है और ओवरसीज में कुछ लिमिटेड जगह पर इसका एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है। एडवांस बुकिंग ओपन होते ही इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। थलापति विजय के स्टारडम का अंदाजा आप लियो की ओपनिंग से ही लगा चुके होंगे, लेकिन इस बार द गोट भी बड़ा धमाका करने वाली है। अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो लिमिटेड जगह बुकिंग होने के बावजूद ये फिल्म यूके से $45,000 और नॉर्वे से $15,000 का कलेक्शन कर चुकी है। तो यूके और नॉर्वे से टोटल एडवांस बुकिंग $60,000 का हो चुका है, जो INR में लगभग 50 लाख होता है। 24 घंटे के अंदर ही द गोट फिल्म ने 50 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली है और अभी तो लगभग 1 महीना बाकी है इस फिल्म को रिलीज होने में। तो देखना ये होगा कि ये फिल्म आगे चल के कितना बड़ा कलेक्शन करती है। चलिए अब बात करते हैं इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि 2988 के बारे में। इस फिल्म को रिलीज हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर अभी भी अपना पकड़ बनाए हुई है। 7th वीक में भी ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है क्योंकि इस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जिसका फायदा कल्कि को मिल सकता है। अगर हम कल्कि के 43 डेज के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इसका हिंदी कलेक्शन, फिर उसके बाद जानेंगे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो कल्कि ने स्टार्टिंग के 5 वीक्स में हिंदी नेट कलेक्शन 291.10 करोड़ का किया था, तो वही 6th वीक में इस फिल्म ने हिंदी नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 6.03 करोड़ का किया। तो ओवरऑल कल्कि का टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 297.13 करोड़ का हुआ है और हिंदी ग्रॉस कलेक्शन 353.38 करोड़ का हो चुका है। अगर हम बात करें बाकी के लैंग्वेजेस का तो कल्कि का ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 880.42 करोड़ का हो चुका है और ओवरसीज से 278.93 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। तो ओवरऑल कल्कि का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब तक का हुआ है 1159.35 करोड़, यानी लगभग 1160 करोड़ हो चुका है। अब कल से इसका 7th वीक शुरू होगा तो देखते हैं ये फिल्म अपने 7th वीक में कितना कलेक्शन करती है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।